जी फिलहाल अखिलेश बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन कयासों का बाजार निश्चित तौर पर बहुत गर्म है। और मैं सोशल मीडिया के हवाले से बात करूं तो अब जो है कई सारे ऐसे ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें ये हो रहा है कि कल कुछ बड़ा हो सकता है। अब सवाल यही है कि क्या कुछ ऐसा बड़ा हो सकता है जिसको लेकर के अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसका अभी आपने भी जिक्र किया, जगविंदर पटियाल साहब ने जिसका जिक्र किया कि क्या जो अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर के कई तरह के जो मत सामने आ रहे थे। एक मत ये था कि अमरिंदर सिंह बीजेपी में सीधे शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं और चुनावों में अकेले लड़ने जाएंगे, बीजेपी के साथ में बीजेपी का उनको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर जो है अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा कदम होगा। और अब ये सोशल मीडिया पे जो कुछ मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी से जुड़े हुए जो जिनकी पैनी नजर रहती है, उन्होंने कुछ इस तरीके के ट्वीट किए जिसके आधार पर ये चर्चा जो अब गरमा रही है कि क्या वाकई में कल अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। अभी हमको इंतजार करना होगा, इंतजार करना पड़ेगा। इस खबर पर आप नजर बनाकर रखिए, लगातार हम दर्शकों को वो वीडियो वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में हो सकता है कि चूंकि आधे घंटे से अधिक वक्त गुजर गया इस मुलाकात को, कुछ ही देर में कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर आएंगे और हो सकता है मीडिया से अगर मुखातिब हो तो कुछ और पता चल पाए, कुछ और जानकारी मिल पाए। अब सवाल यह है कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने मतलब हैं, यही हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बीजेपी में शामिल होने वाले हैं कैप्टन, यह सबसे बड़ा सवाल है। कैप्टन को मिल सकता है कृषि मंत्री बनने का ऑफर, यह एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि यह कयास है, संभावना है। कैप्टन को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी और उसके बाद केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। कैप्टन बीजेपी में आए तो पंजाब में बड़ा उलटफेर हो सकता है, कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं कैप्टन, और ऐसे में आप यकीनन मान सकते हैं कि पंजाब की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। हमारे साथ जैनेन्द्र लगातार जुड़े हुए हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं और जैनेन्द्र कांग्रेस भी कवर करते हैं। जैनेन्द्र, क्या हम कह सकते हैं इस खबर का एक दूसरा पहलू यह भी है कि कांग्रेस के लिहाज से हम देखें तो ना माया मिली ना राम, एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई भी हो गई, दूसरी तरफ सिद्धू इस्तीफा देकर चलते बने। निश्चित तौर पर अखिलेश, कैप्टन की जिस तरीके से विदाई की गई मुख्यमंत्री के पद से, बल्कि विदाई भी नहीं कहे, उन्हें हटने को मजबूर किया गया, हटने को कहा गया, जाहिर है अब कैप्टन के और कांग्रेस के बीच के जो संबंध हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं, बस इसका औपचारिक ऐलान भर बाकी है। हालांकि कैप्टन ने गांधी परिवार, सोनिया गांधी पर निशाना नहीं साधा है, लेकिन साफ तौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को अपरिपक्व करार दिया है। और पंजाब की राजनीति में सिद्धू अब प्रदेश अध्यक्ष, आपको रोक रहा हूँ, कुछ बड़ी खबर है, शायद अंकित गुप्ता के पास चलते हैं। अंकित जी, अखिलेश फिलहाल बड़ी खबर नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि कैप्टन और जो कैप्टन की जो अमित शाह से मुलाकात हो रही है उसमें कहा तो यह जा रहा था शुरुआती तौर पर कि जो पंजाब के जो आंतरिक हालात है उसको लेकर के जानकारी दी जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो है जो चर्चा है ऐसी इस तरीके की सूत्रों से खबर आ रही है कि वो पंजाब के मौजूदा जो माहौल है, जो राजनीतिक माहौल है, अब जब ये मुलाकात हो रही है तो राजनीतिक पर चर्चा होना स्वाभाविक है, लिहाजा उन जो सारे मुद्दों पर चर्चा हो रही है। लेकिन अखिलेश इस बात का जो है लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं और जो हमारे पास सूत्रों से खबर आई है, क्या अब वो खबर पुष्टि होती है उसकी कल, क्योंकि अब चर्चा ये हो रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी का हिस्सा होंगे और उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है जगह मिल सकती है। ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ, ये एक चर्चा है, अभी हमको जो है स्पष्ट जानकारी का या पुख्ता जानकारी का इंतजार करना होगा, आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना होगा। लेकिन यकीन मानिए, कल जब कैप्टन यहाँ पर आए थे, दिल्ली आए थे, और हमारे सहयोगी प्रशांत ने उनसे एयरपोर्ट पर सवाल पूछा था, तो उन्होंने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार कर दिया था, लेकिन आज वो मुलाकात कर रहे हैं तो ये जरूर कहा जा सकता है जिसका। और इस बीच अपने दर्शकों को हम बड़ी जानकारी दे दें कि जेपी नड्डा के सहयोगी बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है कि आखिर अनुभव का क्या मतलब होता है ये कांग्रेस को कल पता चलेगा, अब इसका क्या मतलब है ये भी जरा हम समझते हैं। जगविंदर पटियाल के पास चलते हैं। जगविंदर, तो जेपी नड्डा के सहयोगी ने जो बात कही है उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। आपको बता दें, जेपी नड्डा के सहयोगी हैं बीजेपी के नेता आदित्य त्रिवेदी, उन्होंने बड़ा दावा किया कि अनुभव की कीमत क्या होती है कांग्रेस को कल मालूम चलेगा। अब इसका मतलब आप ये निकाल सकते हैं कि कल कुछ बड़ा होने वाला है, चूंकि जेपी नड्डा के ही सहयोगी हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, जिसके हवाले से ये बात कही जा रही है। ABP News, आपको रखे आगे।